तो ये शहर देख के हैरान थे, पर इन्होंने तो हमारे पसीने छुटा दे रहे। क्या करें, आपके शौक के चक्कर में पैर की बैंड बज गई है हमारी। फौजी को तो एकदम मालकिन के जैसा बनाना चाहता है क्या? तो आज रात को 10 बजे नीचे आ जाना। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इतना पैसा हुआ भाई? फोटो में तो यही घर देखा था, शायद यही होगा। चलो जी। नमस्कार, मैं नयन। आप पवन जी है ना? जी जी जी। आपसे किराए के कमरे की बात की थी हमने। जी सब कुछ याद है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अंदर आइए ना, अंदर। हाँ। कैसा रहा सफर? हाँ बहुत अच्छा रहा। मैंने आपका कमरा पूरा तैयार कर दिया, और रही बात भाड़े की तो वो तो आपसे बात हो गई है, 10,000 रुपया महीना। आइए बैठे ना, बस ध्यान रहे कि कंप्लेंट ना आए अड़ोस पड़ोस से, शोर शराबा ना हो। अकेले कहाँ शोर मचाएंगे, पूरा दिन तो ऑफिस में ही रहेंगे। वैसे आपने अपने ऑफिस का नाम क्या बताया था? एक्चुअली आपने बताया था, मैं भूल गया। चुंबक कंपनी। हाँ मैनेजर लगे हैं वहाँ पर। वैसे तो बिहार में हमारा अच्छा खासा नौकरी चल रहा था, फिर सोचा कि मुंबई में भी आके नौकरी के मजे ले लें। मजे तो है भैया मुंबई में, लेकिन जितना कमाओगे ना उससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। जानते हैं जब हम स्टेशन से बाहर उतरे ना, चारों तरफ देखते ही रह गए। उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सिर्फ हमने पिक्चरों में देखा था, आज हमने पहली बार देख लिया आपके मुंबई शहर में, मजा आ गया। बड़ा सही। अरे पवन, लेट नहीं हो रहे आप? ये देखिए, अभी तक आपने पूरा घर सर पे उठा लिया था कि आपको लेट हो रहा है, और यहाँ पे आराम से बैठ के आप बातें किए जा रहे हैं। अरे हाँ बाबा चलते हैं, लेकिन चलने से पहले अपने नए किरायेदार से तो मिल लो। मिस्टर नयन बिहार से आए हैं अभी, इनका जॉब लगा है यहाँ पर। ओ हाय नयन जी। हेलो। वेलकम। थैंक यू। अभी तक आपने इनको इनका कमरा तो दिखाया नहीं होगा, बस कब से बातें करने में लग गए। चलिए नयन जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, और तुम जाओ बैग लेके ऑफिस के लिए निकलो। आइए जाइए आप, कुछ लगे तो बता देना। ओके। हाँ तो देखिए, ये है आपका घर, यहाँ किचन है, यहाँ हॉल है, और यहाँ आपका कमरा है। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये है आपका कमरा, देखिए कितना स्पेशियस है, कितने सारे लगेज के लिए स्टोरेज स्पेस है, डेकोरेटेड है, कर्टन्स है, सी व्यू है, यहाँ बेड साइज कितना बड़ा है। हेलो नयन जी हेलो हेलो। हाँ कैसा लगा आपको कमरा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आनंद आ गया देखकर। क्या आप भी नयन जी, बड़े मजाकिया किस्म के इंसान हैं आप, पवन से ना खूब पटने वाली आपकी। अच्छा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तो मैं निकल लूँ। ओके बाय। कहाँ बोला है बे, हम तो ये शहर देख के हैरान थे, पर इन्होंने तो हमारे पसीने छुटा दे रहे। ये शहर लगता है सच में जादू की नगरी है भाई।
अरे यार, यहाँ तो हर लड़की गजब है, ये कहाँ है भाई? देखे बेटा, हम तो कहे ना तुमसे, यहाँ आओगे तब समझ में आएगा कि असली दुनिया क्या है और दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन नहीं, तुम तो लगे पड़े थे छोटे से गांव में 10,000 की नौकरी करने के, अब आ गए हो ना तो बहुत कुछ देखोगे। अरे भाई, जो हम सुबह सुबह नजारा देखे है ना, वो हमारी आंखों से जा ही नहीं रहा। का मतलब है? मतलब कि हमारी मालकिन भला की खूबसूरत है, जब वो ऊंची हील पहन के मटक मटक के चलती है ना, मजा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे टीवी से कोई अप्सरा दुनिया में आ गई। शांत बेटा शांत, मालकिन है तुम्हारी मालकिन, एक तो पढ़ी लिखी और ऊपर से अमीर, अगर कुछ उटपटांग किए ना तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में बातों से ज्यादा पुलिस का नंबर याद रहता है, और किसी ने बेटा कंप्लेन कर दिया ना तो जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे हमको गुंडा है का जो ये सब करेंगे, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। तुम चाय सुड़काओ। चाय पियो चाय। चाय चाय। अरे मुझे पता है आप ना बाहर से खाना मंगा लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपका पहला दिन है, आप हमारे साथ खाना खाओ। इसी बहाने कोई जान पहचान भी पड़ जाएगी। बिल्कुल। पायल, लगता है अंदर है। आप बैठिए ना, मैं उसे बुला रहा हूँ। बैठिए आराम से। पायल, पायल, ये कहाँ चली गई? पायल, क्या कर रही हो? अच्छा, अभी अपने पति के साथ रोमांटिक होने के लिए भी सोचना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं, ये बात नहीं है। नयन बाहर खड़ा है। नयन जी, इस वक्त? हाँ, वो एक्चुअली खाना खाने बाहर जा रहा था, तो मैंने कहा आज पहला दिन है, हमारे साथ खा ले, इसलिए बाहर वेट कर रहा है वो। कितना अच्छा मूड था मेरा, सब पे पानी फेर दिया। मैंने पानी फेरा ना, तुम रात को सोते वक्त बदला ले लेना मुझसे। रोका किसने? अच्छा जी, तो याद रखना, मुजरिम को बरी होने के लिए कड़ी से कड़ी सजा से गुजरना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? ये मुजरिम हमेशा तैयार है, as always। Yes। पायल, ए जी सुनते हो? ए जी, ए सोनू के चाचा। अरे कौन है भैया? तुम यहां कैसे?
हे जी, ऐसे काहे घूर रहे हैं? हम भूते थोड़ी हैं, आपकी धर्म पत्नी है। हो गए ना चंबित? उखा कहते इंग्लिश में सरप्राइज। अरे तुमको यहाँ का इतना पता किसने दिया भाई? और खुद ही ट्रेन में बैठ कर आ गई यहाँ। ये जी तो क्या करते, आप जब से मुंबई आए हैं ना कॉल ना फोन ना कहीं आता ना पता। तो राजू भैया से पता लिया आपका तो खुद ही चले आए। नयन, कौन है नयन? भवन बाबू, ये हमारी धर्म पत्नी है। भाभी जी नमस्ते। नहीं नहीं ठीक है, आप पल्लू हटा सकती हो, कोई इशू नहीं, हम सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं यहाँ पर। कंफर्टेबल हो जाओ। आप हमेशा ऐसे साड़ी पहनकर और पल्लू पहन के रहते हैं? जी वो कहा है ना, अम्मा बाबू जी रहते हैं ना गांव में, तो ही लेना पड़ता है। ओ, तो आप अपने सास ससुर के साथ रहते हैं? पायल बस करो ना, शांत रहो। आज के जमाने में आज, नयन तुम दोनों बातें करो, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, तुम बातें करो, चलो बाय। तुम चलो। आज के सी यू। अरे बस ना। एका जी, टांगे देखे इसके, ये पजामा पहनना भूल गई थी का? अरे उसे ड्रेस कहते हैं, तुमको का पता, रहोगी तो गवार की गवारी। अरे शहर में यही सब पहनते हैं, समझी? पहनते हैं का मतलब, ये पहना था। हाँ, चुप करो, तुमको कब पता? एक तो बिना बताए मुंह उठाए यहाँ पर चली आई, ऊपर से चुप करो, सामने किचन है, गर्मा गर्म नाश्ता बनाओ हमारे लिए, समझी? ईका, तुम तो सरप्राइज देने आए थे, ये तो हम पे ही बेफर पड़े। अबे क्या बात कर रहा है, भौजी उतना दूर से अकेले आ गई? अरे वो छोड़ यार, हम तो ये सोचने हैं क्यों ही आई, कितना बेइज्जती कराया हमारा मकान मालकिन के सामने, ना कपड़े पहनने का सहूर ना बोलने का, कितना अच्छा इमेज बनाए थे हम मालकिन के सामने, सब पानी कर। वाह बेटा, मतलब 5 दिन में तुम इमेज भी बना लिए थे। तुमको गुस्सा मत दिलाओ, अब जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था, अब हम शहर में काम करते हैं, अरे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा, ऐसी गवार सी बीवी को लेकर कहाँ घूमेंगे हम, बताओ। सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। पूछ क्या? बोलो। तू ना फौजी को मॉडर्न बना दे और उनको सिखा शहर का रहन सहन, क्या बोलता है? क्या कहना चाहता है? मेरी बीवी मालकिन की तरह मॉडर्न काहे नहीं बे, जरूर दिखेगी। तुम ना भौजी को मॉडर्न कपड़े पहना, वन पीस और तुम्हारी वो हाई हील्स। अरे नीता, अरे नीता जी आ रहे हैं। कहाँ हुआ जी? अरे तुम बैठो इधर और देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये सोनू के चाचा नई साड़ी लाए हैं का? कर दी ना वही बात, साड़ी नहीं लाए हैं, ये लाए हैं तुम्हारे लिए। ये का है? देखो ये ऊंचील वाले सैंडल है, इन्हें पहन कर जब ठुमक ठुमक के चलोगी ना तो लोगों की जान निकल जाएगी, समझी? अब पहन के दिखाओ फटाफट। ये क्या कर रहे हैं? पाप हाथ ना लगाइए जी। पाप बाद में होगा, पहले तुम पहन के तो दिखाओ। क्या कर रहे हैं सोनू के चाचा? अरे कोई बात नहीं यार, एक पैर में पहना दिया, दूसरा पैर भी। चलो खड़ी हो जाओ, आ जाओ खड़ी होके, चलो चल के दिखाओ हम। अरे चलो आगे बढ़ो, चलो चलो। अरे सैंडल नहीं संभाला जा रहा तुमसे, छोटी बच्ची होगा, हमसे ना हो पाएगा। समझ में नहीं आ रहा, ढंग से चलो, सैंडल ही तो है। हाँ शाबाश। सैंडल नहीं संभाला जा रहा तुमसे। ये
मेरे ध्यान से ना होगा। काहे ना होगा? और एक हमारे लिए लाए ये भी। देखो इको ड्रेस कहते हैं, तुम्हारे लिए लाए हैं। हम पहनेंगे? नहीं हम पहनेंगे, जल्दी से पहन कर आओ, हमारा मूड मत खराब करो, जल्दी करो। क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुई का अभी तक? अरे नीचे पायल जी इंतजार कर रही हैं भाई, जल्दी करो यार। हे जी हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए, आपकी ये हील पहनकर पायल सूज गए हमारे, क्या करें, आपके शौक के चक्कर में पैर की बैंड बज गई है हमारी। का? और नहीं तो शौक? का? शौक नहीं, ये लाइफ है हमारी समझी, और तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा टिप टॉप बनकर, और फटाफट कपड़े पहन लो जल्दी से, समझी? का मतलब है आपकी ये ड्रेस पहन के नीचे जाएंगे हम? तो अच्छा कपड़ा पहन के मॉडर्न पढ़ी लिखी लगोगी, अब पहनो फटाफट। ये नहीं हे जी, ये हमसे ना हो पाएगा, ये पहन के नीचे कैसे जाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। से ना होगा, तुम ये पहन के जाओगी, चौपट बैठो और तैयार हो जाओ। तुम क्या बोले? तैयार लगा हुआ जी, लगा हुआ तो क्या तुम्हारे पैर में छाले पड़े या कुछ भी हो,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहन लेंगे, रुकिए ना। हम नहीं सुनने वाले अब की बार तुम्हारी। फटाफट पहनो, ये हम बाहर जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर तैयार होके बाहर मिलो, समझी? अरे नयन जी आइए ना, हम लोग आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, चीज कम। अरे ये क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या पैरों में? आई होप सब ठीक है ना। ओह, शहर आके शहरी बनने का शौक चढ़ा था, कह रही थी मॉडर्न बनना है इन्होंने। खुद ही जाके कपड़े ले आई, हील ले आई, लंबी वाली सैंडल ले आई अपने लिए। थोड़ी सकुचा रही है, थोड़ा थोड़ा करके आदत डल जाएगी, क्यों नित्ता जी, है ना? आइए बैठिए ना। ये यूज कीजिए, बैठते हुए आप कंफर्टेबल। ऐसे कपड़े पहने हैं तो संभालने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। ए नीता, क्या बच्चों जैसा कर रही हो रे? अरे अच्छे से बैठो। बहन भाई, आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है कि वो कोई भी कपड़ा पहन देना, घर पे रौनक ही रौनक रहनी है। आप बहुत लकी हो। अरे लकी तो आप है पवन जी, जो पायल जी जैसी बीवी मिली है आपको, जो कुछ भी बोले कानों में मिसरी जैसा लगता है। हमारी मिसेज भी इनकी फैन है, बहुत बड़ी, कहती है इनके जैसा बनना है इन्होंने। क्यों नीता जी? ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रूम होना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जितना आप कंफर्टेबल हो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। थैंक यू। देखा नयन जी, ये फर्क होता है घर वाले में और बाहर वाले में। आपने एक तारीफ की, इनके चेहरे पे मुस्कुराना देखा आपने? और मैं रोज रोज भी तारीफ करूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इस घर में ना मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं बस। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए ना, डिनर रेडी है, खा ले। अरे वॉशरूम किधर? तो आप मेरे रूम में हुए, यही बगल में। आज तुम्हारा कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा है? बाहर जो तुमने लाल गाउन पहन के मुझे तड़पाया ना, उसका बदला तो लूंगा ही। अच्छा जी, तो आपको बदला लेना है, और वो बदला कैसे लोगे? देखो।
इस शहर की औरतों की कुछ अलग ही बात होती है। हमें अपनी पत्नी को भी ऐसी बातें सिखानी पड़ेंगी। ए नीता, ए, उठो ना, ए, उठ ना। क्या हुआ? अरे उठिए ना। जी आपको? अरे उठो, जाके नहा कर आओ यार। क्या बात कर रहे, इतनी रात को नहा के आए? फिर बकवास, जब बोले हैं नहाने को तो नहा के आओ ना, और साथ में वो हीरोइनी वाला टावल पहन के जो आती है ना, वैसा भी पहन के आओ। जा। क्या बात करते हैं? आपको तो मालूम है इतनी रात को नहाएंगे तो ठंडी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, जुकाम का बीमारी है हमें। तो जो बोले है वो करो ना, एक तो सहरी बना रहे ऊपर से हमसे। चलो खड़ी हो, निकलो, नहा के आओ। भौजी तो एकदम शहरी दिख रही है बे, है ना? हाँ हाँ, बस एक दिन में इतना बदल गई तो आगे क्या होगा, अभी तो शुरुआत है बाबू। एक बात बता, भौजी को तो एकदम मालकिन के जैसा बनाना चाहता है क्या? और क्या, अब उनको देख के हमारा भी तो दिल करता है कि हम भी उनके जैसी औरत से प्यार करें, पर नीता को देख कर हम वैसा सोच नहीं पाते यार। तो उसे उनके जैसा तैयार करके हम भी अपने मन की मुरादें पूरी कर लेते हैं बाबू। अच्छा, भौजी को पता है क्या कि तू उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है? हक, ये सब को बताने वाली बातें हैं। अरे हमारी पत्नी है वो, पति को खुश करना उसका धर्म है, समझा? सही है बेटा, लगे रहो। लेकिन जो पुरानी वाली भौजी है ना, उनसे तो हम बहुत बार मिल चुके हैं, ये जो नई वाली भौजी है मॉडर्न, इनसे कब मिला रहा है? चलो ऑफिस के बाद आज तुमको तुम्हारी भौजी से मिलवाते हैं। बैठो, क्या देख रहे हो? घर बहुत शानदार है। हाँ वो तो है, बैठो। भौजी के तो दर्शन करवाओ यार। आ रही है भाई, खाना लेने गई है। अरे सुनती हो, अरे मेहमान आए हैं भाई, जल्दी लेके आओ खाना। कहा था ना पूरी तरह तैयार होके आना। हील्स कहाँ है तुम्हारी? हमारा पैर कट गया, दर्द हो रहा है तो नहीं पहन पाए। दर्द हो रहे है, पैर दुख रहा है तुम्हारा? हाँ दुख रहा है पैर, जाकर हील पहन कर आओ, मेहमान आए हैं यहाँ पर, बेइज्जती नहीं करवानी। क्या जो भी कहो यार, भौजी को ना तुम एकदम टॉप क्लास की हीरोइन बना दी,
अरे अभी सैंडल पहन के आएगी तब देखना, ऐसी लगेगी। काश हमारी भी बीवी ऐसी होती, मजा आ जाता। अरे वो सब छोड़ो, खाना खाओ भाई, खाना भी अच्छा बनाती है। भौजी बनाई है? हाँ। अरे यार क्या बात है। भौजी थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ऐसा लगा, लग रही है ना टिप टॉप मॉडल, फुल का फुल। खाना खा, खा, खा। भौजी बनाइए भाई, खा मजा ने पूरा दिया। वो सब जाने दे, मैं एक बात से बहुत खुश हूं, तू ना भाभी को शहर के तौर तरीके बहुत अच्छे से सिखा रहा है। पर एक बात पता है क्या तुझको, यहाँ पे एक और भी चीज होती है। क्या? बीवियों की अदला बदली। अरे यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, और यहाँ के बंद कमरों में तो ऐसा होता ही रहता है। अरे कई लोग तो अपनी बीवी को सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है तारा? मतलब ये कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। तुझे शहर बुलाया, बुलाया कि नहीं बुलाया? शहर में तेरी नौकरी लगवाई, तेरा रहने का बंदोबस्त भी करवाया, करवाया कि नहीं करवाया? अब अगर इतना कुछ करवाया है तो मेरा कुछ इनाम बनता है कि नहीं बनता है? हाँ तो सैलरी आने दे, दे दूंगा तेरा इनाम। तू समझा नहीं रे, मुझे वो इनाम नहीं चाहिए, इनाम तेरे घर में है। तू ना, तू पता है क्या कर, बस फौजी को ना एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। कितना घटिया बात किया रे तू, शर्म नहीं आया तेरे को? हमारे ही घर में नजर गड़ाए बैठे थे। तू 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 सीरियस क्यों ले रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था तेरे से, तू सीरियस ले रहा है बिना काम का? अच्छा तू तू अभी घर पे जा, आराम कर, कल तेरे से ऑफिस में मिलते हैं, समझ गया कि? जा आराम कर। बीवियों की अदला बदली। अरे यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, और यहाँ के बंद कमरों में तो ऐसा होता ही रहता है। आप जी वो पौधों को पानी देने आया था। नैन जी कहाँ? जी वो ऑफिस गए। जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये तो नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस आपसे ये कहना था कि इन सब चीजों की वजह से ना आप खुद की पहचान मत खोइएगा, क्योंकि आप जैसी भी है ना बहुत अच्छी, सच में ध्यान रखें। ए जी सुनते हो? बहुत ही रात हो गई है, सोएंगे नहीं क्या? हाँ ठीक है, तुम चलो हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। और सुनो,
कहा है कि मॉडर्न ड्रेस पहनकर सोना, तुम्हें उन कपड़ों में देखकर हमको बहुत अच्छा लगेगा। अरे पवन जी, अकेले निकले हो क्या वॉक पे? तुम भी ज्वाइन कर लो। रोज जाते हो क्या? नहीं, कभी कभी जब बीवी खाने में प्यार थोड़ा ज्यादा मिला दे तब निकल जाते हैं वॉक पे। आप वैसे बहुत लकी हो पवन जी, आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली, तो अच्छा खाना बना लेती है, काम काज भी करती है और कपड़ा लत्ता भी अच्छा पहनती ओढ़ती है। जब मर्जी गर्लफ्रेंड बना लो और जब मर्जी बीवी बना लो, क्या कहते हो? वैसे तुम्हारी वाइफ भी कुछ कम नहीं है, इतनी सुंदर है, इनफैक्ट घर संभालने वाली है, और क्या चाहिए? अब इतनी ही पसंद है तो फिर आप ही रख लीजिए ना। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मजाक कर रहे थे भाई। वैसे चाहो तो आप रख सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, मतलब एक रात के लिए। क्या कहते? क्या मतलब? अरे हमारे एक दोस्त ने बताया था कि भाई शहर में बीवियों की अदला बदली बहुत आम बात, और हम तो एक छत के नीचे रहते हैं, तो आप हमारी बीवी एक रात के लिए रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, देख लो आप। अरे तुझ जैसा घटिया आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। आज जो तूने बात कही ना, इसे कभी दोबारा मेरे सामने मत कहना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। एक महीने में अपना बुरिया बिस्मान निकलने यहां से, समझा ना? तुझ जैसे घटिया आदमी को ना अपने बीवी के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा मैं, समझा ना? अरे पवन जी, हमारा जवाब भी तो सुनते जाइए। वीडियो बनाए हैं भाई SD में, देखते तो जाइए। ये देखिए, अरे आपकी बीवी एक रात के लिए उधार ही तो मांग रहे हैं, वरना दुनिया के हर आदमी के फोन पे हर रात के लिए ये वीडियो वायरल हो जाएगी। कहिए, क्या कहते हो? बोलती बंद हो गई का? अब एक काम करो, अपनी बीवी को हमारे पास भेजो एक रात के लिए। हमारी बीवी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब घर जाइए और अपनी बीवी को तैयार कीजिए, समझे? फोन का इंतजार करेंगे, समझे बाबू? चलते हैं। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? एक मिनट। क्या हुआ, क्या क्या है? कैमरा? यहाँ कैसे, किसने लगाया? मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ पाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बर्बाद कर देगा हमें। अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूंगी वो मैं करूंगी। यार ये फोन कहीं नहीं लग रहा है। पायल जी, आप यहां? पवन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बता दिया? चलो अच्छा बात, अब हम आपसे खुल के बात कर सकते हैं, तो क्या इरादा है आपका फिर बताइए। तुम्हारी पत्नी को यह सब पता है? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, हम जो कहेंगे वो मान लेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज रात को 10 बजे नीचे आ जाना।
आज महीनों की मेहनत साकार हो गई, मन की मुरादें पूरी होंगी। अच्छा मजा आएगा। आज की तुम्हारी छुट्टी तो कहा है ना, आज हमने अपना दूसरा इंतजाम कर लिया है तो तुमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समझी। चलो तो हम चलते हैं, और अब से हाई हील पहनने की तुम्हें जरूरत नहीं है अब, ठीक है। पायल जी, पायल, पायल, क्या हुआ? मैं साड़ी में अच्छी नहीं लग रही हूँ। वो बात नहीं है, मतलब आज तक आपको साड़ी में देखा नहीं है ना। तो पवन कहाँ है? पवन किसी काम से बाहर गए हैं, वो सुबह आ जाएगा। क्या बात है, सभी इंतजाम करके रखी हो, वाह। कुछ पियोगे? अब सरमाना का है, विस्की। वैसे मॉडर्न ड्रेस में जितनी आप अच्छी लगती हो ना, साड़ी में बात नहीं है। खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है, किसने क्या पहना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Cheers. Cheers. इतनी भी जल्दी क्या, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। का? ये तो हमारा लैपटॉप है। ये देखो, ये फोल्डर जो खाली है, कहां गए मेरे वीडियोस? वीडियोस यानी मेरे वीडियोस ना, जो तुमने अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। किसने डिलीट की? किसने डिलीट किए? मैंने डिलीट किए वो वीडियोस, चुन चुन के एक एक फाइल डिलीट किया मैंने, यहां तक कि सोर्स फाइल तक को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत के हमारे घर में घुस के हमारे लैपटॉप से फाइल डिलीट करी, चोर? मैं चोर नहीं हूं, मैंने तुम्हारे घर में घुसकर कोई लैपटॉप चोरी नहीं की, बल्कि मुझे वो लैपटॉप दिया गया। किसने? हुआ जी, हमको बेचने के समय तो एक पल भी नहीं सोचे आप, अब काहे इतना हैरान हो रहे हैं? पवन से एक रात के लिए बात किए थे ना हमारे लिए, लो आ गए हम। ये क्या हो रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पापों का हिसाब हो रहा है ये। तुम हा? खबरदार, अब नहीं, अब मार उसे नहीं तुमको खाऊंगी। बड़े मर्द बने फिरते हो ना, बताया मुझे सपनीता ने कि तुम उसके साथ रोज क्या क्या करते थे, अब एक रात तुम मेरे साथ नहीं बल्कि हवालात में गुजारोगे। पवन किसी भी वक्त पुलिस लेकर आता ही होगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हमको जेल भेजोगी? हट। और तू जेल भेजेगी हमको? हट। अब
हमरे ऊपर कोनो हक नहीं है तुम्हारा। जितना अत्याचार करना था ना तुमने कर लिया, बस बहुत हो गया। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो वरना। वरना ही चाकू मार देंगे। हमारी बिल्ली हमारे से म्याओ, हमको चाकू दिखा के डराती है का? हट। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मुझे मार के भागी है। हट। चलो, चलो। हट। आज जब मैं सब नहीं सकता हूँ, मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी, मेरे पे हाथ उठाएगी। छोड़ो। आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये जो खून पे तेरे को घमंड है ना अपने ऊपर, ये आइए सर, सर आइए मेरे साथ आइए।